बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स और सेलेब्स हैं जो पर्सनल रीजन से भयंकर नशे के आदि रह चुके हैं, और आदि भी ऐसे कि जिन्हें ठीक होने के लिए बकायदा रिहैब सेंटर तक की हवा खानी पड़ी है। और ऐसे ही स्टार से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, कपिल शर्मा। कॉमेडी सुपरस्टार कपिल शर्मा भी एक वक्त नशे की बुरी लत के आदि रह चुके हैं। शराब के नशे में उनका सुनील ग्रोवर से हुआ झगड़ा उनके चमकते करियर में हमेशा के लिए एक दाग की तरह बनकर रह गया। इसके बाद कॉमेडी स्टार अपनी शराब की लत को छुड़ाने के लिए रिहैब सेंटर की शरण में भी गए, और यहां से ठीक होकर लौटने के बाद दोबारा कपिल की जिंदगी ट्रैक पर लौट आई। योयो हनी सिंह। मशहूर रैपर और बॉलीवुड सिंगर योयो हनी सिंह भी बुरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ गए थे, जिसके बाद वो करीब साल भर तक इंडस्ट्री से आउट भी रहे। और इस बीच योयो हनी सिंह को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए रिहैब सेंटर में एडमिट कराया गया था। प्रतीक बब्बर। राज बब्बर के बेटे और एक्टर प्रतीक बब्बर भी बुरी तरह से नशे की गिरफ्त में थे। इस आदत से पीछा छुड़ाने के लिए प्रतीक बब्बर को रिहैब सेंटर में एडमिट तक किया गया था। फरदीन खान। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान भी भयंकर नशे की लत के आदी थे। फ्लॉप होती फिल्मों ने फरदीन की मेंटल हेल्थ पर ऐसा असर किया कि वो नशे में डूबते चले गए। साल 2001 में उन्हें अवैध पदार्थों के साथ पुलिस ने पकड़ा भी था, जिसके बाद फरदीन को रिहैब सेंटर में भेज दिया गया था। संजय दत्त। फिल्म स्टार संजय दत्त के नशे की आदत और ड्रग की लत तो खैर किसी से छिपे नहीं। संजू बाबा की जिंदगी पर बनी बायोपिक संजू तक में इस बात का खुलासा हुआ है कि वो उन्हें नशे की इतनी बुरी लत थी कि इससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें बकायदा अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में भर्ती होना पड़ा था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।